अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में हमने कटे हुरूफ के रिवीजन किया। प्यारे बच्चों, कटे हुरूफ भी लिखे, उसी के बाद हमने बाद वाले हुरूफ को भी लिखा, कटे हुरूफ में, मुरक्कब हुरूफ में। प्यारे बच्चों, आज हम मुफरद और मुरक्कब हुरूफ को यहाँ पर समझेंगे। हमें ये समझना है कि कौन से हुरूफ अलग है, कौन सा हुरूफ अलग है, उसी हुरूफ पर हमें चेकरी करना है। क्या करना है? चेकरी करना है। यहाँ पर असाइनमेंट के हिसाब से यहाँ पर सूचना हुई है कि करोड़मा अलग पड़ता हुरूफ पर क्रॉस करो, चेकरी करो। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला हुरूफ है अलिफ, अलिफ के बाद बा है, बाकी कटे हुरूफ है और एक दूसरी कटे हुरूफ है बीच में आने वाली। प्यारे बच्चों, ये बा हम समझ चुके कि ये तीनों बा कटे हुरूफ है। अलग कौन है? अलीफ है। तो हमें अलीफ के ऊपर क्या करना होगा? क्रॉस करना होगा, चेकड़ी करनी होगी। इसी तरह आगे का हुरूफ कौन सा है? तो यहाँ पर है ता, यहाँ पर ता, ता शुरू में आने वाली था, एक बीच में आने वाली था, और एक है जीम, मुफरद हर्फ, मुफरद हुरूफ। कौन सा है? मुफरद हुरूफ जीम है, और एक है आखिर में आने वाली ता। अरे बच्चों, यहाँ पर कौन अलग है? तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मुफरद हुरूफ जीम अलग है। हम इसी के ऊपर इसी तरह क्रॉस करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह आगे का हुरूफ है हा, एक शुरू में आने वाली हा, एक बीच में आने वाली हा। यहाँ पर है मुफरद हुरूफ दाल, और यहाँ पर है मुफरद मुरक्कब हुरूफ हा, कटे हुरूफ की हा, आखिर में आने वाली हा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन अलग है? तो हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर दाल अलग है, तीनों तीन हा है, सिर्फ अलग कौन है? दाल। प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ पर दाल कटे हुरूफ भी है और मुफरद हुरूफ है। यहाँ पर मुरक्कब हुरूफ दाल, ये भी मुरक्कब हुरूफ दाल, और ये है मुफरद हुरूफ दाल, और ये है सीन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अलग कौन है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अलग सीन है, क्योंकि दाल मुफरद है, ये मुफरद कटे हुरूफ है, ये दाल भी कटे हुरूफ है, ये कौन है? मुफरद हुरूफ सीन, सीन अलग हुरूफ है। हमें अलग कटे हुरूफ के ऊपर क्या करना है? क्रॉस करना है, चेकड़ी करना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह आगे का हुरूफ है रा, यहाँ पर मुफरद हुरूफ रा भी है और कटे हुरूफ रा भी है, अलग कौन है? तो हमें अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सीन हुरूफ कौन है, अलग है, उसी के ऊपर हमें क्रॉस करना है। आगे का हुरूफ है शीन, यहाँ पर सीन अलग है, शीन की तीन कटे हुरूफ है, मुरक्कब हुरूफ है। यहाँ पर अलग है सीन, यहाँ पर ये मुरक्कब हुरूफ सीन, लेकिन सीन और शीन के अंदर फर्क है। यहाँ पर ये सीन के ऊपर तीन नुक्ते लगे हुए हैं और ये सीन के ऊपर तीन नुक्ते नहीं थे। तो कौन अलग है? यहाँ पर सीन अलग है। प्यारे बच्चों, आगे का हुरूफ है स्वाद, स्वाद तीनों कटे हुरूफ के साथ है और यहाँ पर मुफरद हुरूफ दौद है, दौद है, यानी स्वाद के ऊपर नुक्ता लगाया तो कौन सा हुरूफ बन गया? दौद। तो यहाँ पर कौन अलग है? दौद। तो हम यहाँ पर दौद के ऊपर हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, चेकड़ी करेंगे। इसी तरह आगे का हुरूफ है तो, यहाँ पर ये लाइन के अंदर तो, जो, तो और तो है, तीन कटे हुरूफ है और एक जो मुफरद है। कौन अलग है? सब तीनों तीन हुरूफ तो है, खाली एक अलग है, सिर्फ एक अलग है जो। तो हम जो के ऊपर इसी तरह क्रॉस करेंगे। इसी तरह आगे का हुरूफ है आइन, आइन की कटे हुरूफ है। कौन अलग है? ये लाइन के अंदर कॉफ अलग है, तो हम इसी तरह कॉफ के ऊपर क्रॉस करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये लाइन के अंदर कौन अलग है? तो हमें पहले देखना है कौन सा हुरूफ है, ये फा है, उसके बाद मुफरद हुरूफ गैन है, यहाँ पर फा कटे हुरूफ है और ये भी कटे हुरूफ फा है। तो कौन अलग है? यहाँ पर गैन अलग है, हम यहाँ पर इसी तरह क्रॉस करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह आगे का हुरूफ है लाइन के अंदर काफ है, काफ कितनी काफ है? तीन कटे हुरूफ है और अलग कौन है? तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर लाम अलग है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये लाइन के अंदर कौन अलग है? हमें देखना है कि यहाँ पर मीम तीनों तीन हुरूफ है और कौन अलग है? नून। तो यहाँ पर नून पे क्रॉस करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे का हुरूफ है वाव और ये
है, अंदर कौन अलग है, तो हमें अब समझ में आ जाएगा कि अलग हुरूफ पे हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, चेकड़ी करना है। इसी तरह यहाँ पर कौन अलग है, तो हमें यहाँ पर देखना है ये तीन या है, और ये कौन है, मीम है, तो मीम पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, चेकड़ी करेंगे। इसी तरह हम सब चुके, इसी तरह में ये लाइन कर क्या समझ क्रॉस करना है, उस रूप का हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर या तीनों हुरूफ या है और हा अलग है, इस पर इसी हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। यहाँ पर कौन अलग है प्यारे बच्चों, ये लाइन में हम देख सकते हैं, पूरी लाइन को हम देखेंगे, सा है कि ता हुरूफ है, तो हमें देखना है ये हुरूफ सा है, ये भी सा है और ये भी सा है, कौन अलग अलग मुफ्रद हुरूफ ता। इसी तरह हमें आगे का आगे लाइन हम देखेंगे, यहाँ पर है चार हुरूफ में तीन हुरूफ जीम है और यहाँ एक बाल है, हमें यहाँ पर करना है बाल अलग। इसी तरह यहाँ पर खा, खा तीन हुरूफ में खा है और अलग हुरूफ है, इसलिए हमें इसी ऊपर क्रॉस करना है। इसी तरह आगे में यहाँ पर जाल, जाल मुफ्रद हुरूफ है, मुरक्कब हुरूफ भी है, लेकिन अलग यहाँ का हुरूफ अलग है, इसीलिए हम इस पर करेंगे। इसी तरह आगे का जा, जा तीनों हुरूफ जा लिखे हुए हैं, लेकिन कौन अलग है, स्वाद, तो यहाँ पर स्वाद करना है, चेक करना है। इसी तरह यहाँ पर ये कौन अलग है, तो यहाँ पर तो अलग हुरूफ आगे हुरूफ दौद, तो यहाँ पर कौन अलग है, इसी तरह हमें अलग पढ़ता हुआ करना है, क्रॉस है, यहाँ है तो इसी तरह हमें समझ कर हुरूफ को समझ क्रॉस करना है, कौन सा हुरूफ अलग है। यहाँ पर हमें समझ आ गई होगी ये गाइन की तीनों का हुरूफ है, एन अलग हुरूफ है, एन पर करेंगे। अरे बच्चों कॉफ है, यहाँ पर तीनों खानों के अंदर तीनों बॉक्स के अंदर क्या है, कॉफ लिखा हुआ है, कौन अलग है, तो यहाँ करेंगे। इसी तरह यहाँ लाम तीनों बॉक्स के अंदर लाम लिखे हुए हैं, कौन अलग है, हमें आगे हुफ नून पूरे लाइन के अंदर कौन अलग है वो देखना, तो यहाँ पर कौन दबाव ऊपर क्रॉस करेंगे, ये कौन हुफ अलग है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे भी हम कहते हैं, इसे भी हमजा कहते हैं, इसे हमजा कहते हैं, ये या करेंगे। में हम अरबी की नोटबुक में इसी तरह कर हम पढ़ते ऊपर चेक कर कि तह और वो पेज का है, तो ये है हम और आज का होमवर्क। आगे सबक में हम सब रिजल्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।